अलैकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। अदनान सिद्दीकी के बाद फवाद मुस्तफ़ा ने सरफराज अहमद को लाइव शो में तोतला कह दिया। अदनान सिद्दीकी की सरफराज से माफ़ी, फवाद मुस्तफ़ा की दोबारा बदतमीज़ी। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने साबिक कौमी कप्तान सरफराज अहमद का मजाक उड़ाने और उनकी तज़ीक करने पर लाइव शो के दौरान माफ़ी मांग ली। ताहम फवाद मुस्तफ़ा ने डटाई का मुजाहरा करते हुए इस मौजू को ही गैर अहम करार दे दिया। दो रोज़ कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें निजी टीवी चैनल से नशर होने वाली गेम शो जीतो पाकिस्तान लीग के दौरान अदनान सिद्दीकी ने सरफराज अहमद को हल्का कैब बुलाने के अंदाज का मजाक उड़ाया था और उनकी नकल उतारी थी। अदनान सिद्दीकी की इस हरकत को सोशल मीडिया पर बेहद तनकीद का निशाना बनाया गया था और सार्फीन ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए उनसे सरफराज अहमद से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद के बाद अदनान सिद्दीकी ने गुज़श्ता रोज़ लाइव शो के दौरान साबिक कप्तान से अपनी हरकत की माफ़ी मांग ली। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है अदनान सिद्दीकी कह रहे हैं, सरफराज मैं आपके पुरस्कारों, आपके घर वालों और दोस्तों से माजरत चाहता हूँ। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने इस हवाले से कोई बात नहीं की थी जिसे सरफराज का या उनके दोस्तों का दिल दुखे। इस मौका पर सरफराज अहमद ने भी नहायत आजजी का मुजाहरा करते हुए कहा कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अदनान सिद्दीकी ने कहा, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? जिस पर सरफराज ने कहा, नहीं मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। तहम इस दौरान शो के मेज़बान फवाद मुस्तफ़ा ने मुदाखलत करते हुए कहा, आप हमारे बड़े हैं, आप हमें लाइव थप्पड़ भी मार देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तहम इस दौरान शो के मेज़बान फवाद मुस्तफ़ा ने मुदाखलत करते हुए कहा, आप हमारे बड़े हैं, आप हमें लाइव थप्पड़ भी मार देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये फजूल की बातें हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाद हज़ा उन्होंने एक बार फिर सरफराज अहमद का इसी अंदाज में मजाक उड़ाया जिस तरह अदनान सिद्दीकी ने उड़ाया था। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस बारे में कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।